आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर फतेहपुर से। देश में दहेज लोभियों के लिए सरकार ने भले ही कितने कड़े कानून क्यों ना बनाए हों, लेकिन अभी कुछ ऐसे लालची लोग भी हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है। जी हां, ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां शादी के 3 दिन पहले दूल्हे ने लड़की वालों से बुलेट गाड़ी की डिमांड की, जिसे लड़की के पिता ने किसी तरह पूरा कर दिया। लेकिन ये लालची लड़का यहीं नहीं रुका, इसके बाद फिर बारात लाने से एक दिन पहले उसने कार की डिमांड कर दी, जिसे लड़की के माता पिता पूरा ना कर सके, जिसके लिए दूल्हे ने भी बारात लाने से इनकार कर दिया। वहीं बारात ना आने से लड़की पक्ष भी काफी असहाय महसूस कर रहा है। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार और ASP विनोद कुमार सिंह को। अरे हम बुलेट दे रहे का तैयार रहे, हम कल कही रहे रात में कि हम का 4 पहिया दे, हम कहाँ से पाई कि ऐसे दे दे। सब रिश्तेदार सब कोई अच्छा अचानक बेटी ने कहा थी हम वगन न जाए, हमें जहर खिला दे मगर वगन न भेजो हमका। पता नहीं कहीं किया ये गाड़ी की वजह से किया है। ग्यारह दिसंबर ककड़ेरों से आज क्यों मना कर दिया गाड़ी में 4 पहिए जी आपके बुलेट देने तैयार थे। हम शादी नहीं करने देते। मांगनी में 1 लाख रुपया दिया, अब वो कह रहे हैं कि हमें कल अचानक फोन किया है रात में कि हमको 4 पहिया चाहिए नहीं, हम बारात नहीं लाएंगे, हमारे यहाँ दे जाइए। अब कार मुंह से कैसे भी करके हमने बुलेट को कहा था तो बुलेट लेने को तैयार, हम कागज वागज सब ले लिया था, मगर अब जो है 4 पहिया के लिए हम कहाँ जाए किससे कहें। लगत भी कुछ दिया? 1 लाख रुपया लगत, 1 लाख दिया। हाँ मांगनी में आपके हमारे सारे रिश्तेदार भी आ चुके हैं। बेटी आपकी क्या कह रही है? बेटी हमारी उस घर अब नहीं जाने को तैयार। आपकी क्या मांग? हम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे दहेज के उमा लोभियों के यहाँ हम अपनी लड़की नहीं भेज सकते, हो सकता है कि वो मार भी सकते हैं दौलत के लालच में। ये सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी लड़की की शादी की थी जिसकी आज बारात आनी थी खकरेलू थाना क्षेत्र से, जो बारात लेकर के नहीं आए हैं, ये दहेज की मांग कर रहे थे, उसी में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, इसकी जांच कराई जा रही है और तथ्यों के आधार पर। ये थी फतेहपुर से इरफान काजमी की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।